here we are going to talk about the ethical issues in armed services there are a few specific ethical issues in any kind of the government uh, setup where the psychologist is working and they could be varied probably it could be related to the armed services it could be related to the school uh, which includes both public and private schools then criminal justice settings then community agencies business and industries then it can be the medical institution um, it could also be the independent uh, practice. and then uh, postal uh, counseling context could be the one reason. so there could be the many medical and government settings where we see that the psychologist is working and going through different challenges. but particularly i'm going to talk about the armed services here. the armed services, uh, in the armed services, we can see that there are the variety of the roles uh, which behavioral scientists are trained and they uh, portray in armed services. और मोस्ट फ्रीकेंटली हम सकोलॉजी के स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो आर्म सर्विसेज के लिए जो है वो अपना टेस्ट देते हैं और अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करते हैं कि उनको आर्म सर्विसेज के अंदर एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर काम करने का मौका मिल सके आ, हम देखते हैं कि मिलिट्री की जो साइकोलॉजी है इसके अंदर हमें एक क्लिनिकल रिलीम भी दिखाई देता है और एक नॉन क्लिनिकल रिलीम भी दिखाई देता है क्लिनिकल रिलीम हमें सिर्फ उस वक्त दिखाई देता है जब हम देखते हैं कि कोई Uh, बहुत मेगा वॉर्स होती हैं जैसे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद uh, जो है वो मिल्टी साइकोलॉजी की नीड समझ आई जब लोगों को इस तरह के साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आना शुरू हो गए uh, जिनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन जो थी वो मेडिकल साइंस नहीं दे सकती थी जैसे जब लोगों को बहुत सारे यंग लोगों को ये पता चला कि उनको जो है वो आर्मी हायर कर लेगी बिकॉज द आर्मी नीड्स दैम और उनको लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर लोगों के अंदर uh, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स क्रिएट हो गए Uh, जो कि साइकोसोमेटिक थे जैसे लोग जो थे वो ब्लाइंड हो गए या उनको पैरालस हो गया और बाद में रिसर्च ने यह प्रूव किया दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दे वर हैविंग कि उनको अनविलिंगली जो है वो मिलती में हायर ना कर लिया जाए um, uh, तो इस तरह की जगहों पर uh, हमें जब हम असेसमेंट की बात करते हैं हम क्लिनिकल uh, या नॉन क्लिनिकल रिलीम की बात करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट का रोल हमें आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है देन द इम्पॉर्टेंट थिंग विच दे प्रोड्यूस ट्रेनिंग स्किल एक्विजिशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, टीचिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एनहांसमेंट आप ये देखें कि जब एक न्यू जो रिक्रूट होकर आर्मी में एक ऑफिसर आता है तो उसकी जो अपब्रिंगिंग है उसके प्रोफेशन के अंदर उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है उसकी डेवलपमेंट होती है उसकी सॉफ्ट स्किल और उसको Uh, इसके अलावा जो है उसकी uh, उसको प्रोफेशनली जो है वो लीडरशिप की जो स्किल्स हैं वो उसके अंदर इंकल्केट करना उसको ब्रश अप करना ये सारे काम जो हैं उसकी ट्रेनिंग के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट जो है uh, वो हायर किया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिफरेंट ग्रूप एक्सरसाइजिज़स के अंदर और इंडिविजुअल ट्रेनिंग के अंदर uh, उनको इन चीज़ों के साथ एक करता है दैन डिवेलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज ट्रेनिंग फॉर एग्ज़ाम्पल सिमुलेटर्स एंड असमेंट सेंटर्स अब देखिए अब जब हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं उस वक्त तो कभी भी इस तरह का को कोई स्ट्रेस नहीं होता कि कोई फोर्स ने अटैक कर दिया या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ब्लड शेड देखने को मिलेगा तो इस तरह की सीमुलेशन क्रिएट की जाती हैं ताकि स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल जो है वो ऑफिसर्स का बढ़ाया जा सके उनको बताया जा सके कि अगर आधी रात को कोई अटैक कर देगा तो उनको गहरी नींद से एकदम उठा के उनको प्रैक्टिस कराई जाती है सिमुलेट कराया जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे Uh, ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं एक साइकोलॉजिस्ट की अंडर ट्रेनिंग होती हैं दैन पर्सनल फंक्शन फॉर एग्जाम्पल सेलेक्शन असेसमेंट क्लासीफिकेशन एंड रिटेंशन ऑफ आर्मी पर्सनल इसी तरह उनकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग होती है उनकी बिहेवियर असेसमेंट होती हैं और उनके प्रोफाइल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली बनते रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजिस्ट क्योंकि जब एक इंडिविजुअल जो है वो ऐसे स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई साइकोपैथोलॉजिकल टेंडेंसीज तो नहीं है वो कोई क्रिमिनल माइंड का इंडिविजुअल तो नहीं है उसका स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल कैसा है वो कहीं अपने आप को कोई स्ट्रेस uh, की सिचुएशन में सेल्फ हार्म तो नहीं कर लेगा इस किस्म की जो इंडिविजुअल की ट्रेनिंग्स हैं वो सारी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू uh, होती हैं और वही इनके पर्सनैलिटी के प्रोफाइल्स uh, बनाते हैं देन हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गेटिंग एन आर्मी जॉब इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल और काफ़ी काफ़ी दिन ऐसे आते हैं जिसमें आप स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं जिसमें आपको प्रॉपर खाना खाने को नहीं मिलता फटीग्ड होती है फ़िज़िकल जो है वो टायर्डनेस होती है ऐसी सिचुएशन में कोई इंडिविजुअल जो है वो कि, किस तरह कोप कर सकता है कितने दिन तक उसकी नींद पूरी ना हो तो वो काम कर सकता है उसकी वर्क एफिशिएंसी कितने दिन के बाद डिस्टर्ब होती है इन सारी चीज़ों की क्लिनिकल कोरिलेशंस देखने के लिए जो रिसर्च है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं आर्मी पर्सनल्स के साथ और उनके डाटा के बेसिस के ऊपर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाए जाते हैं इसी तरह ह्यूमन परफॉर्मेंस रिसर्च जो है वो की जाती है लाइक जॉब डिज़ाइन इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग स्टडीज़ कि अगर एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर किसी स्ट्राइक में फ़ॉरन डिसीजन करना है किसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हैं किसको लीड करना चाहिए किसको कमांड करना चाहिए हु वुड बी द टीम लीडर हु वुड बी द पार्ट ऑफ द टीम जो कि सेकेंड ईयर लीडरशिप होगी और कौन लोग ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे वो सिर्फ एक्ट करेंगे ये सारा कुछ डिजाइन करना जो है ये भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से आर्मी में मुमकिन होता है कॉन्फिडेंशलिटी इशूज़ आर द की सोर्स ऑफ कंसर्न इन मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी टू मिल्ट्री प्रोफेशनल बाई मिल्टी पर्सनल अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने सारे एक सेंसिटिव से सिनारियों से के अंदर न साइकोलॉजिस्ट इज वर्किंग तो ये सारा कुछ कितना कॉन्फिडेंशल रखना क्योंकि आप लोगों की प्रोफाइल्स जो हैं आर्मी ऑफिसर्स की प्रोफाइल्स हैं उनको आपने बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना है और इसमें बहुत सारे एथिकल कंसर्न आ जाते हैं और इनके साथ आप कैसे डील करेंगे दिस एक्चुअली गोज टू वर्ड्स अ वेरी चैलेंजिंग वर्क सेटिंग जिसकी आज हम बात करें देन हाउ टू डील विद कॉन्फिडेंशी इशूज वन वे टू डील एज नोटेड इसटन दैट क्लाइंट आर इनफॉर्म फ्रॉम द आउटेशनल रिलेशनशिप ऑफ ऑल लिमिटेशन प्लेस्ड

जो आर्मी हेड क्वार्टर है उसको दी जाएगी ताकि वो डिसीजन कर सकें कि किस जो है वो कॉप को कहाँ पर प्लेस करना है किस इंडिविजुअल को कौन सा रोल जो है वो असाइन करना है तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वैसे जनरल पब्लिक को तो नहीं जो है वो ब्रीच की जाएगी लेकिन जो उसके रिजल्ट्स हैं जो उसकी रिपोर्ट्स हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दी जाएंगी जो कि पर्पस है उस असेसमेंट को होल्ड करने का इसके अलावा अदर अदद दैट जो बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी राइट्स हैं वो आर्मी के लिए और सिविलियन सेटिंग्स के लिए सेम रहेंगे